दोस्तों आप भी सुर्खमय यादव और नीतीश राणा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मुंबई ने कोलकाता को 5 विकेट हराया, तो क्या पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों IPL 2023 का 22वां मुकाबला कोलकाता और मुंबई के बीच खेला गया। मुंबई की ओर से कप्तानी कर रहे सुर्खमय यादव ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं कलकत्ता के बल्लेबाजी की शुरुआत नारायण जगदीशन और गुरबाज ने किया, और वहीं मुंबई की गेंदबाजी की शुरुआत सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने किया। उन्होंने पहले ओवर में 35 गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन दिए थे, तो इसी बीच 11 रन के स्कोर पर ग्रीन ने मुंबई को पहली सफलता दिला दी नारायण जगदीशन के रूप में। नारायण जगदीशन बिना खाता ही खोले पहले रन लौट गए। इनके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंकटेश अय्यर और अपनी टीम को आगे ले जाने काम किया, तो वहीं पीयूष चला गेंदबाजी के लिए और गुरबाज को कैच आउट करा दिया। उन्होंने अपनी पारी में मात्र 12 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के कप्तान नीतीश राणा मैदान पर आए। 9वें ओवर में ऋतिक शौकीन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नीतीश राणा को कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा अपनी पारी में 5 रन बनाए थे। इनके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने अपना 23 गेंद में अपना 8 शतक पूरा किया, तो इसी बीच 13वें ओवर में ऋतिक शौकीन ने शार्दुल ठाकुर कैच आउट करा दिया। शार्दुल ठाकुर अपनी पारी के दौरान मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बेहतरीन बाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने 49 गेंद में अपना शतक पूरा किया। अगले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर कैच आउट हो गए। इन्होंने अपनी पारी में 51 गेंद में 104 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, तो वहीं 19वें ओवर में रिंकू सिंह कैच आउट हो गए। रिंकू सिंह ने अपनी पारी में मात्र 18 गेंद में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के सुनील नारायण मैदान पर आए। सुनील नारायण और आंध्र रसेल ने दोनों मिलकर पारी को अंत तक खेला और टीम का स्कोर 185 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिया। ऐसे में 186 रन का पीछा करने के लिए मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन मैदान पर आए, तो वहीं कलकत्ता की गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने किया। 5वें ओवर में 65 रन के स्कोर पर कलकत्ता ने मुंबई को पहला झटका दे दिया रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा अपनी पारी के दौरान 13 गेंद में 20 रन की पारी खेली थी। इनके बल्लेबाजी ने सुर्खमय यादव मैदान पर, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करे ईशान किशन ने 22 गेंद में अपना 8 शतक पूरा किया, तो इसी बीच अरुण चक्रवर्ती ने 8वें ओवर में ईशान किशन को आउट कर दिया। ईशान किशन अपनी पारी में 25 गेंद में 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनके बल्लेबाजी करने मैदान पर तिलक वर्मा है और सुर्खमय यादव और तिलक वर्मा ने बेहतरीन पारी खेली। दोनों खिलाड़ी मिलकर 13वें ओवर तक 150 रन का स्कोर पार करा दिया। सुर्खमय यादव शार्दुल ठाकुर गेंद पर कैच आउट हो गए। इन्होंने अपनी पारी में 23 गेंद में 43 रन की पारी खेली थी, और वहीं टीम डेब्यू ने 13 गेंद में 24 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिला दी। तो ऐसी क्रिकेट से हर खबर पाएंगे क्रिकेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।